हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया वर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 24, जिसमें हम टारगेट करने वाले हैं 2017 की वोकैब को। टोटल 50 वर्ड्स को हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेशन में, और लास्ट 23 सेशंस में हमने थोड़ी मिक्स वोकैब करी है एसएससी एग्जाम से रिलेटेड, प्लस 2023 के जो एग्जाम्स हुए थे एसएससी के, वो सारे वर्ड्स हम ऑलरेडी 23 सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे है तो प्लीज पहले आप इन 23 सेशंस को कंप्लीट कीजिए, देन 24 सेशन पे मूव कीजिए, जिसमें हम 2017 की वोकैब को टारगेट कर रहे हैं, देन 18 की करेंगे, देन 19 की, देन सो ऑन। फाइन, ऐसे करके टोटल 5000 वोकैब को हमें टारगेट करना है इस सीरीज में, जो कि डेली बेसिस पे यहाँ अपलोड की जा रही है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड अब्लूशन। सो अब्लूशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? तो अब्लूशन यानी द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, है ना? सो क्लियरली समझ आ रहा है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। सो वॉशिंग के सेंस में आप वर्ड यूज करेंगे अब्लूशन। सो जब भी प्रेयर होती है तो प्रेयर से पहले क्या प्रोसेस की जाती है? अब्लूशन प्रोसेस की जाती है बिफोर प्रेयर। सिनोनिम देखते हैं हम इसके। क्लिंजिंग हो गया सबसे इजी वर्ड, क्लिंजिंग, प्योरिफिकेशन, वॉशिंग, बाथिंग, ठीक है? वॉशिंग सिनोनिम में, क्लिंजिंग सिनोनिम में, बाथिंग सिनोनिम में, जबकि एंटोनिम है इसका डिफाइलमेंट, है ना? डिफाइलमेंट यानी कंटेमिनेट, पॉल्यूशन, गंदगा, गंदगी होना, पॉल्यूशन हो गया और डिफाइलमेंट हो गया। एक अच्छा वर्ड आया है यहाँ पे, डिफाइलमेंट ई आता है यहाँ। फाइन, फिल्थ, फिल्थ वर्ड अच्छा है, ये नया सा वर्ड है। फिल्थ पॉल्यूशन के लिए वर्ड यूज करेंगे आप इसको। कंटेमिनेशन, कंटेमिनेट होना, संक्रमित, इन्फेक्शियस, कंटेमिनेशन। सो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अब्लूशन ही फेल्ट स्पिरिचुअली क्लींस्ड एंड रेडी फॉर प्रेयर। सो अब्लूशन प्रोसेस करने के बाद ही फेल्ट स्पिरिचुअली क्लींस्ड एंड रेडी फॉर द प्रेयर। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड इंटेंट। सो इंटेंट यानी इस पिक्चर को समझ के आपको क्या लग रहा है, क्या मतलब होगा इंटेंट का? सो इंटेंट का मतलब होता है टू हैव अ प्लान, ठीक है? टू हैव अ प्लान, इंटेंट का मतलब होता है पर्पस हो गया, एम हो गया, गोल हो गया, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम है। जबकि नेग्लिजेंस वो क्या है इसका एंटोनिम है। सो ऑब्जेक्टिव या फिर एक सिंपल सा वर्ड रेजोल्यूशन, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम है। जबकि एंटोनिम की अगर हम बात करें, सो गोल लेस होना, एमलेस, एमलेस, पर्पलेस, पर्पसलेस, अपैथी, ठीक है, नीरस, इमोशनलेस, नथिंग, कुछ नहीं पता, नेग्लिजेंस, ये क्या है इसके एंटोनिम है, इनडिफरेंस। सो ही वॉक्ड इनटू द मीटिंग विद अ डिटरमाइंड इंटेंट टू नेगोशिएट अ बेटर डील। सो वॉक्ड इनटू द मीटिंग, मीटिंग में वो इस प्रकार आया विद अ डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय करके, डिटरमाइन करके कि क्या करना है, नेगोशिएट करके बेटर डील को क्रैक करना है, यही उसका इंटेंट है, टू हैव अ प्लान। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड प्रॉम्प्ट। सो प्रॉम्प्ट पिक्चर को देख के क्या लग रहा है? सो इस मैन ने ये पूरा लिख कर दिया है रोबोट को, और रोबोट इसे इमिटेट कर सकता है, क्विक। सो सिनोनिम हो गया इमिटेट, क्विक, स्विफ्ट, जबकि डिले क्या है इसका एंटोनिम है। सो सिनोनिम में अच्छे वर्ड में हम देखिए तो इमिडिएट आ चुका है, डिसीजन टू मेक समथिंग हैपन, इसका मतलब क्या है, टू मेक समथिंग हैपन इमिडिएटली, ये इसका मीनिंग है। जबकि एंटोनिम यानी डिले, देरी होना, स्लो, टार्डी, लेट, इंटरमिशन। द टीचर्स प्रॉम्प्ट फीडबैक हेल्प द स्टूडेंट इम्प्रूव देयर एसेज क्विकली। सो टीचर का जो प्रॉम्प्ट फीडबैक था, तुरंत इमिडिएट फीडबैक, स्टूडेंट्स की हेल्प हुई उससे इम्प्रूव देयर ऐसे क्विकली। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड रेस्पाइट। सो रेस्पाइट, इस पिक्चर को देख के आपको सबको मान चल गया होगा रेस्पाइट का मतलब एक्चुअली ब्रेक होता है। सो ब्रेक का साइन यही है, सबसे रेस्पाइट का साइन आप बोलेंगे, रेस्पाइट साइन। सो ब्रेक, रिलीफ, रेस्ट, ये सिनोनिम है। जबकि कंटिन्यूएशन क्या हो गया इसका, एंटोनिम हो गया, ठीक है? सो रिलीफ एक सिनोनिम हो जाएगा इसका, रिलीफ हो गया, पॉज, हॉल्ट, इंटरमिशन, तो ब्रेक हो गया, हाँ वही ब्रेक, इंटरमिशन, रेस्ट। जबकि एंटोनिम क्या होगी, कंटिन्यू रहना, कंटिन्यूएशन, एजिटेशन, परसिस्टेंस,
ठीक है, परसिस्टेंस रहना, कंटिन्यू रहना. सो आफ्टर आवर्स ऑफ इंटेंस नेगोशिएशन दे डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट रेस्पाइट. सो इंटेंस नेगोशिएशन आफ्टर आवर्स उन्होंने डिसाइड किया फाइनली टेक अ शॉर्ट रेस्पाइट. फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड वैलर. सो वैलर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सो वैलर यानी ब्रेवरी के लिए आप इस वर्ड को यूज करेंगे, ब्रेवरी. ठीक है, जस्ट लाइक पिक्चर को देखते हैं, क्या वर्ड वैलर, करेज, ब्रेवरी, गैलेंट्री. गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, ब्रेव अवार्ड फियर्स का एंटोनिम. सो सिनोनिम हो जाएंगे इसकी गैलेंट्री, ब्रेव के लिए ऑडेशियस हो गया, बोल्ड हो गया, करेजियस हो गया. ठीक है, जबकि एंटोनिम क्या होंगे? टिमिड, डरपोक, फियर, कावर्डिस, ये सारे हो गए इसके एंटोनिम. द सोल्जर रिसीव्ड मेडल फॉर हिज वैलर इन द फेस ऑफ द एनिमी. फेस ऑफ द एनिमी के टाइम पर सोल्जर्स को, मतलब फेस ऑफ द एनिमी, शत्रुता का सामना करना, और उसके लिए सोल्जर्स ने क्या रिसीव किया? मेडल फॉर हिज वैलर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड एरोडिशन. सो एरोडिशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? एरोडिशन ट्राई क्या हो सकता है इसका मतलब? इस इमेज से आपको क्या लगता है? नॉलेज दिख रहा है, बुक दिख रही है. सो नॉलेज इज द आंसर. स्कॉलरशिप, नॉलेज, एजुकेशन, इलिटरेसी इज नॉट दी कैंटिन में होता है. सो इरिटेशन का मतलब ग्रेट नॉलेज. ग्रेट नॉलेज के लिए ये वर्ड होगा, ग्रेट नॉलेज. ठीक है, सिनोनिम अगर हम बात करें, ग्रेट नॉलेज है, प्रोफाउंड है, लर्निंग, एजुकेशन, स्कॉलरशिप. तो कि एंटोनिम क्या होगा इसका? अनअवेयर, इलिटरेसी, ये भी इसका एंटोनिम हो गया, माइंडलेस, इग्नोरेंट, इनएक्सपीरियंस्ड. ठीक है, अनइनिशिएटिव. तो द बुक इज अ टेस्टामेंट ऑफ द टू दी ऑथर्स एरुडिशन एंड एक्सटेंसिव रिसर्च. तो जो बुक है वो प्रूफ है ऑथर की नॉलेज का एंड एक्सटेंसिव रिसर्च का. सो एरुडिशन का मीनिंग होता है नॉलेज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड इडियोसिंक्रेसी. सो इडियोसिंक्रेसी की बात की जा रही है. सो इडियोसिंक्रेसी होता है मोड ऑफ बिहेवियर. ठीक है, सो अ मोड ऑफ बिहेवियर के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं इडियोसिंक्रेसी. जबकि जो इसका सिनोनिम हो गया वो क्या होंगे? ट्रेड हो गया बिहेवियर के लिए, ट्रेड, क्विर्क हो गया, ट्रेड हो गया, ऑडिटी हो गया. एक होता है पिक्योलरिटी. पिक्योलरिटी यानी ट्रेड, टू हैविंग द ट्रेड, गुण होना, ऑडिटी, ये सारे इसके क्या आ गए? सिनोनिम हो गए. जबकि अगर हम एंटोनिम की बात करें और इडियोसिंक्रेसी, तो एंटोनिम क्या होगी? रेगुलैरिटी. वही रेगुलर, कुछ स्पेशल नहीं होना, रेगुलैरिटी, नॉर्मैलिटी हो गया, एक कंफॉर्मिटी, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम. सो क्विक ट्रेड के लिए बता रहा है, क्यूलरिटी ट्रेड के लिए, ऑडिटी ट्रेड के लिए, जबकि नॉर्मेलिटी इसका एंटोनिम है. सो हिज इडियोसिंक्रेसी मेड हिम एन इंटरेस्टिंग बट चैलेंजिंग पर्सन टू वर्क. सो जो उसका मोड ऑफ बिहेवियर है उससे वो बन तो गया इंटरेस्टिंग बट साथ ही साथ चैलेंजिंग पर्सन टू वर्क विद. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड प्लॉसिबल. सो इट्स नॉट अ न्यू वर्ड, ये तो हम काफी बार कवर कर चुके. क्या होता है प्लॉसिबल? क्रेडिबल. ठीक है, क्रेडिबल दिस एबल टू बी बिलीव्ड. तो इसका मतलब क्या है? एबल टू बी बिलीव्ड, जिसको इजीली बिलीव किया जा सके फैक्ट बेसिस पे. सो बिलीवेबल, क्रेडिबल, प्रोबेबल, ये सब इसके सिनोनिम, जबकि इम्प्लॉसिबल इसके एंटोनिम है. सो विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ये एंटोनिम की तरह काम करेगा प्लॉसिबल का. रीजनेबल भी इसका सिनोनिम है. सो द साइंटिस्ट प्रपोज्ड अ प्लॉसिबल थ्योरी बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा. सो अवेलेबल डेटा के बेस पर साइंटिस्ट ने प्रपोज करी प्लॉसिबल यानी क्रेडिबल थ्योरी. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड फॉरबियरेंस. तो फॉरबियरेंस, ठीक है, पेशेंस के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है, पेशेंस. तो पेशेंस इज द सिनोनिम हो गया. इसके अलावा टॉलरेंस भी सिनोनिम है इसका फॉरबियरेंस के लिए. एंड्योरेंस, टिकाऊ, और रिस्ट्रेंट,
रिस्ट्रेंट नया वर्ड आया, ठीक है, पेशेंस के लिए है, जबकि एंटोनिम क्या होंगे, इम्पेशेंट एंटोनिम है, एजिटेशन एंटोनिम है, इरिटेबिलिटी एंटोनिम है, जोर टिक नहीं सकता, इनटॉलरेंस है, हैस्टीनेस, जस्ट लाइक दिस पिक्चर, क्या दिख रहा है इसमें, हैस्टीनेस दिख रहा है ना, पेशेंस नहीं है जिसको, ठीक है. सो हिज फॉरबियरेंस ड्यूरिंग द लेंथी लीगल प्रोसीडिंग्स वाज कमेंडेबल. सो उसकी जो फॉरबियरेंस थी यानी पेशेंस ड्यूरिंग द लेंथी लीगल प्रोसीडिंग कमेंडेबल थी, कमेंडेबल यानी प्रशंसनीय है, प्रेज, फाइन. सो फॉरबियरेंस यानी पेशेंस रखना, एंड्योरेंस रखना. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन दी वर्ड सीज, सीज अभी चल रहा है, सीज फायर किसके बीच में, हमास और इसराइल, ठीक है. सो हमास और इसराइल में चल रहा है सीज फायर, लेकिन स्टार्ट होता है, देन वॉर वापस स्टार्ट, देन सीज फायर. सो सिनोनिम सीज मतलब स्टॉप होना, एंड होना, टर्मिनेट होना, हॉल्ट होना. अभी हमने एक वर्ड डिस्कस किया था रेस्पाइट, वो भी इसका एक सिनोनिम है. एंटोनिम परसिस्ट रहना, रिज्यूम रहना, कमेंस रहना, इनिशिएट करना, ये भी इसका एंटोनिम, इनिशिएट. सो हॉस्टिलिटीज बिटवीन द टू कंट्रीज सीज विद द साइनिंग ऑफ द पीस ट्रीटी. पीस ट्रीटी के साइन के साथ हॉस्टिलिटीज बिटवीन द टू कंट्री वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, कम टू एंड, फाइन. सो इसी के साथ जो आज हमने वर्ड डिस्कस करे, अब्लूशन, इंटेंट, प्रॉम्प्ट, रेस्पाइट, वेलर, फॉरबियरेंस, एरुडिशन, इडियोसिंक्रेसी, प्लॉसिबल, सीज. अब्लूशन यानी क्लिंजिंग, इंटेंट यानी टू हैव अ प्लान, प्रॉम्प्ट यानी क्विक जल्दी, इमीडिएट, रेस्पाइट यानी ब्रेक, वेलर यानी ब्रेव, फॉरबियरेंस यानी टिकाऊ, परसिस्टेंट, एंड्योरेंस, एरुडिशन, एरुडिशन का भी हमने डिस्कस किया था, ग्रेट नॉलेज, स्कॉलरशिप, इडियोसिंक्रेसी अ मोड ऑफ बिहेवियर, ट्रेड, प्लॉसिबल, क्रेडिबल, और सीज यानी हॉट. सो इन सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज लास्ट सेशन का आप रिविजन करते रहिए, स्टार्ट एंड करते हैं हमारा सेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिविजन एंड टेक केयर.